अगर आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उसे एंड्रॉइड बनाना चाहते हैं, तो आपके बीच हम बहुत ही एक्सक्लूसिव डील लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम आपके बीच अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम 4K एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स का। अगर आपके पास एक 4K टीवी है तो दोस्तों उसमें भी 4K सेटअप बॉक्स आपके लिए काफी काम आने वाला है। इस सेटअप बॉक्स का दोस्तों फायदा आपको यही मिलता है कि इसमें आपको टीवी चैनल्स तो देखने को मिलेंगे ही, जो कि एयरटेल डिजिटल टीवी के सैटेलाइट टीवी चैनल्स है, डिश एंटीनास आपको रिसीव होंगे, बल्कि साथ ही इसमें जो है आपको OTT एप्स भी अवेलेबल है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली लिंक्ड है। 5000 से भी ज्यादा आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का बॉक्स आपके लिए रहने वाला है। टीवी चैनल्स भी देख सकोगे, साथ ही साथ जो है इसमें ऑनलाइन कंटेंट भी प्ले कर सकोगे, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और Zee5, जो भी आपके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है वो सभी के सभी इसमें आपके लिए अवेलेबल है। तो देरी किस बात की है, इसका भी छोटा सा अनबॉक्सिंग देखेंगे, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखेंगे, और साथ ही में इसका रिव्यू देखेंगे, टीवी से कट करके भी देखेंगे। और अगर आपको ये बॉक्स चाहिए अपने घर पर, तो मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की डील लेकर आया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खरीदने का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं दो ऑप्शंस लेकर आया हूँ। पहला ऑप्शन दोस्तों ये है, जो कि सभी देते हैं, कि अगर आपको पूरा का पूरा कनेक्शन चाहिए, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं है, सिर्फ आपको पूरी कनेक्शन की कॉस्ट पे करनी होगी और वहां से इसको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और वही अगर आप विदाउट एंटीना ऑप्शन सेलेक्ट करते हो हमारी वेबसाइट में जाकर, तो दोस्तों आपको स्पेशल जो है एक्सक्लूसिव ऑफर हमारी ओर से ही मिलेगा कि आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आपके वहां पर एरिया में नहीं मिल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स दे दिया जाएगा, उसे आप मैनुअली खुद से इंस्टॉल करवा सकते हो, और जो आपके पास घर में पुराना डिश लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसी पर इसे आप लगवा सकते हो। तो दोस्तों इससे बढ़िया डील आपको नहीं मिलने वाली, आपका नॉर्मल टीवी स्मार्ट भी बन जाएगा, एंड्रॉइड भी बन जाएगा, पूरा कनेक्शन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर जो खर्चा है पूरे कनेक्शन खरीदने का वो भी कहीं ना कहीं बचा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक आपको मिलती है हाई क्वालिटी की HDMI केबल, एक आपको मिलेगा हाई क्वालिटी का अडप्टर, एक आपको मिलेगा एयरटेल एक्सट्रीम का रिमोट जो कि ब्लूटूथ वाला रिमोट है, और इस पर जो भी आपको बटन्स दिए गए हैं उसके जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। और एक आपको मिलेगा एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स, एयरटेल एक्सट्रीम की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पर, यहाँ पर सेंटर में आपको बटन मिलता है, नीचे आपको दो लाइट्स मिल जाएंगी इंडिकेशन के लिए, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड की ब्रांडिंग और डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एयरटेल जो है उसका भी लोगो देखने को मिलता है। इस साइड की बात करें दोस्तों तो इस साइड जो है आपको माइक्रो SD कार्ड और USB पोर्ट दिया गया है, और इस साइड की बात करें तो आपको वेंटिलेशन के लिए जो है जगह मिल जाएगी। और सीधा हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो पीछे आपको एंटीना इन का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियो वीडियो के ऑप्शन मिल जाएंगे, डॉल्बी ऑडियो के लिए आपको ऑप्टिकल ऑप्शन मिल जाएगा, HDMI ऑप्शन दिया गया है, एक और USB पोर्ट आपको दिया गया है, इंटरनेट का पोर्ट मिल जाएगा, और अडैप्टर लगाने का आपको पोर्ट दिया गया है। तो हमने जो है अपने एयरटेल एक्सट्रीम सेट ऑफ बॉक्स को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। आपके पास जो भी टीवी हो, जो कि आपके नॉन स्मार्ट टीवी हो, उसी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो स्टेप होगा दोस्तों आपका यही आएगा कि आप जो है इसको स्किप कर सकते हो। ये स्मार्ट रिमोट का जो है QR कोड होता है, जो कि अब एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रही तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद सिंपली आपको जो है यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन के लिए जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है कि इन्हें सेटअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल जो है हम यहाँ पर इसका सेटअप नहीं करने वाले, और हम सीधा आपको दिखाने वाले हैं कि इसका यूजर इंटरफेस किस तरह का है, तो हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर हमारा वाईफाई नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है, तो इससे हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वह कह रहा है साइन इन करने के लिए, तो जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर लोकेशन को आप नो करेंगे, हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड को यस करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के बारे में कह रहा है कि आप हॉटस्टार या Zee5 या वूट में से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम Zee5 को यहाँ पर प्री इंस्टॉल के लिए कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहते हो, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी जो मर्जी एप्लीकेशन को अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा जो है सेटअप रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा, और जो भी सैटेलाइट के चैनल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएंगे अगर आपका सेटअप बॉक्स डिश एंटीने से प्रॉपरली कनेक्टेड होगा तो। अब यहाँ पर जो भी एंट्री पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। फाइनली हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको होम, टीवी चैनल्स, मूवीज, शोज, एप्स, माई स्टोर,
वाईफाई नोटिफिकेशन और सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप किसी भी कंटेंट को यहाँ पर खोजने की तलाश में हैं तो आपको सर्च का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वही नीचे की ओर बात करेंगे तो जो भी कंटेंट जो है यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है उसकी यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है, और उसी के नीचे आपको ऐप्स जो भी आपके बॉक्स में इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पर रिकमेंडेड आपको ऐप्स दिखने को मिलेंगे। उसके नीचे आपको दोस्तों आपके जो भी फेवरेट चैनल्स हैं वो यहाँ पर आप अपने बना सकते हो, और इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग और एक्सट्रीम यानी जो भी इनका खुद का कंटेंट है, जो कि इनकी खुद की एप्लीकेशन है उस पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो फिल्म है चाहे वो सीरीज़ है, तो उसको यहाँ पर दोस्तों आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये जो है आपके पॉपुलर जो है OTT ऐप्स का भी कंटेंट यहाँ पर आपको रेकमेंड करता है, जिससे आप यहाँ से भी डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, ना कि स्पेसिफिक आपको उस एप्लीकेशन में जाकर प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी। वही अगर हम बात करें TV चैनल्स में तो जो भी TV चैनल्स आपको अवेलेबल है 500 प्लस एयरटेल डिजिटल TV के, उन सभी को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, बंगाली, मलयालम और गुजराती, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी, असमिस और उर्दू और अदर्स। यहाँ पर दोस्तों आपके जनर्स भी क्रिएट किए गए हैं, जैसे HD है, एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ है, स्पोर्ट्स है, न्यूज़ है, किड्स है, अलग अलग जनर्स दोस्तों यहाँ पर बनाए गए हैं। मूवीज़ पर जाएंगे तो जो भी मूवीज़ के चैनल्स अवेलेबल हैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी मूवीज़ चैनल्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो स्पोर्ट्स चैनल्स जो भी उपलब्ध हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। तो जितने भी चैनल्स हैं दोस्तों उसको भी यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए मिनिमम आपको 153 रुपीज़ का रिचार्ज कराना ज़रूरी होगा। बाकी बात रही मूवीज़ की, तो मूवीज़ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी मूवीज़ यहाँ पर रेकमेंड की जा रही है उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। शोज़ में भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का रहेगा, OTT कंटेंट ही यहाँ पर दिखाई देता है। ऐप्स में बात करें तो यहाँ पर जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल किए हुए होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। हमारे पास सिर्फ Zee5 इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा यहाँ पर रेकमेंड कुछ ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, और इसी के नीचे आपको गूगल ऐप्स दिखाई देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है मिनिमम आपको 153 रुपीज़ जो है वो रिचार्ज कंपलसरी है, और अगर आपके अकाउंट में रिचार्ज नहीं है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है प्लेट आ जाएगा कि अनएबल टू प्ले सर्विस, इसके बिना जो है आप बिना जो है कोई भी OTT ऐप चला नहीं सकते हो। तो मिनिमम आपको 153 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो अकाउंट में रखना होगा। बाकी वाईफाई सेटिंग्स में आप आओगे तो वाईफाई जो भी आपके घर पे उपलब्ध है या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट है वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आपके जो भी नोटिफिकेशंस एयरटेल की ओर से भेजे जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। सेटिंग्स में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन का और माई स्टोर का और हेल्प वीडियोज़ का आपको ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टैक्टर्स का मिलेगा, रिचार्ज ऑप्शंस मिल जाते हैं, और कंटेंट लैंग्वेजेस को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेजेस है चाहे रीजनल लैंग्वेजेस हो तो उसे भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फेवरेट चैनल्स की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से फेवरेट चैनल्स की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। बाकी यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, IP एड्रेस और एंड्रॉइड सेटिंग्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ आपको 5.0 है वो मिल जाता है, और एंड्रॉइड सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके जीमेल अकाउंट जो भी होगा वो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। ऐप्स में आप आते हो तो यहाँ से जो भी आपके ऐप्स आपके बॉक्स में इंस्टॉल्ड हैं वो देखने को मिलेंगे, यहाँ से उसको अनइंस्टॉल भी आप कर सकते हो। डिवाइस प्रेफरेंसेस में अगर हम बात करते हैं तो अबाउट सेक्शन में आपको सिस्टम अपडेट जो है बॉक्स को आप कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, एंड्रॉइड 9 जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं कुछ TV चैनल्स के EPG बैनर की, तो TV चैनल का जो EPG बैनर है वो जिस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, और नीचे उसके EPG आपको मिल जाएगी। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं होम स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन के अलावा यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम बार है कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लैंग्वेज, कीबोर्ड, ब्लूटूथ, साउंड को भी चेक कर सकते हो, सेट कर सकते हो, स्टोरेज आप चेक कर सकते हो। स्टोरेज यहाँ पर आपको 4.4 GB आपको दी गई है ऐप्स के लिए और कंटेंट के लिए। गूगल कास्ट यानी कि गूगल असिस्टेंट गूगल कास्ट आपको दिया गया है क्रोम कास्ट करने के लिए। HDMI डिस्प्ले सेटिंग्स पर आप आके यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। यहाँ पर 4K बॉक्स है दोस्तों, अगर आपका TV 4K होगा तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो भी आपको 4K में देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा स्क्रीन सेवर, लोकेशन, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स, एक्सेसिबिलिटी, रिबूट और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात रही रिमोट एंड एक्सेसरीज की, तो यहाँ पर जो भी आपका ब्लूटूथ का रिमोट हो या फिर कोई भी ब्लूटूथ का डिवाइस हो उसे आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको जो कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो होम थिएटर हो, चाहे वो आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स हो या फिर नेक बैंड हो, चाहे एयरबड्स हो, कुछ भी हो तो उस डिवाइस को यहाँ पर आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। चलिए हम जो है आपको यूट्यूब का भी एक्सपीरियंस करवा देते हैं कि आखिर यूट्यूब जो है वो किस प्रकार से आपके यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी यूट्यूब पर कंटेंट है दोस्तों उसे इजीली आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, और जिस तरह से बाकी आपके बॉक्सेस में आपको देखने को मिलता है उसी प्रकार से
और यहाँ पर आपको जो है इसकी वीडियो क्वालिटी अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको मैं टेस्ट करवा देता हूँ। सिंपली जो है यहाँ पर हम एक 4K वीडियो को टेस्ट करेंगे और इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि पिक्चर क्वालिटी आपको कैसे मिलती है इस बॉक्स में। तो मोस्टली जो है दोस्तों ये वीडियो जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहती है टेस्टिंग के लिए, साउंड क्वालिटी पर टेस्ट कर सकते हो। तो इस बॉक्स की जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी कमाल की मिलेगी और पिक्चर क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी कमाल की मिलेगी, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो एक 4K अल्ट्रा HD पोर्टेबल है, यानी कि अगर आपका LCD या LED TV जो भी है वो 4K है तो डेफिनेटली इसमें आप 4K कंटेंट को ईजिली प्ले कर सकते हो, और अगर आपका TV ही फुल HD हो या उससे कम हो तो वो उसी अकॉर्डिंगली जो बॉक्स है वो आपका ऑटो रेजोल्यूशन जो है वो उठा लेता है। अब बात आती है कि अगर हमें क्रोमकास्ट करना हो अपने स्मार्टफोन को अपने टीवी के साथ तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपके स्मार्टफोन में एक गूगल होम के नाम की एप्लीकेशन होती है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, गूगल प्ले स्टोर या iOS पे आपको मिल जाएगी। और उस पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस मिलेगा, अकाउंट आपको बना लेना होगा, और उसके बाद अगर आपका बॉक्स और आपका मोबाइल सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो डेफिनेटली जो है आपका मोबाइल क्रोमकास्ट के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि हमारा जो एयरटेल एक्सट्रीम का नाम है वो डिवाइस का आ चुका है, और सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा कास्ट माई स्क्रीन, और उस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से हम इसको कास्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करने को कह रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कास्ट हो चुकी है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो भी हमारे स्मार्टफोन में कंटेंट प्ले होगा, अब देख सकते हो हमारा जो स्मार्टफोन है यहाँ पर वो कनेक्ट हो चुका है, तो जो भी आपकी ऐप्स हैं कुछ भी कंटेंट हो उसे हम यहाँ पर प्ले कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास वीडियो कंटेंट अवेलेबल है उसे हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और आप देख सकते हो दोस्तों कि वो जो वीडियो है वो हमारी वहाँ पर चलने लगी है। और इस तरीके से दोस्तों जो भी कंटेंट होगा वो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। अगर अपने स्मार्टफोन के आप जो है ओरिएंटेड मोड हटा देते हो तो यहाँ पर जो वीडियो है वो बड़ी भी हो जाएगी और प्ले भी हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो कैसे लगी इसकी आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ जो है समय समझ आ गया होगा कि क्या क्या आपके लिए दिया गया है। बाकी इस बॉक्स को खरीदने के लिए तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। केबल बॉक्स चाहिए तो वो भी मिलेगा, और अगर पूरा कनेक्शन चाहिए तो वो भी मिलेगा। देरी किस बात की है, जल्दी ऑर्डर प्लेस करें।